दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में काल्हि मात्रे कपड़ा बैंक के एक शुरुआत भेल छै। ई एगो नीक अभ्यास जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में शुरू कयल गेलै। नेपाल तरुण दल अपन स्थापना दिवस के अवसर में काल्हि ई शुरुआत केलकै। नेपाल तरुण दल के धनुषा जिला के उपसभापति राकेश विक्रम शाह के संयोजकत में काल्हि पूरा प्रोग्राम कयल गेलै। संभव लगभग यह विषय पर आ समसामयिक विषय पर आइ राकेश जी संगे बातचीत हम सब करे जा रहल छी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के। धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत अही से करे छी, कपड़ा बैंक अहाँ सब संचालन में अनलियै, उद्देश्य काल्हि हो बतेलियै, नीक उद्देश्य नीक प्रयास से खास कऽ कऽ की सोच कऽ ई स्थापना भेलै, कते दिन से प्लानिंग छलै? ई अपने के सर्वप्रथम हम दिवाली और छठ के जैसे पावन अवसर पर जे हमरा त अपने बजा के और सबसे प्रत्यक्ष जुड़े के मौका दिलिए, तो सबसे पहले हम दीपावली और छठ के अहाँ के मार्फत संपूर्ण टीवी के मार्फत संपूर्ण दर्शक में हार्दिक शुभकामना देवे चाहे छी। और अभी तक की हम सब खास करके जोन जगह के छी, हम सब तराई में बसोबास करे वाला, हमरा सब के अभी के समय हम सब समय अनुकूल चले छी, करेंट में ज़्यादा जी छी हम सब। तो अभी दीपावली और छठ के समय छे, दीपावली और छठ के समय में हम सब तो की स्थानीय छी, ओना तो अभी बहुत अस्त व्यस्त अवस्था, विभिन्न चीज में लोग परेशान तो छीते छे अहाँ के, लेकिन अभी दीवाली और छठ हमरा सबके मन लगले अहाँ के एबेर हमर सबके तरुण दल के जे स्थापना दिवस छै से ओना कार्तिक 10 के स्थापना दिवस छै। ई 66 साल पूरा भ के अहाँ के 61 साल, ई एते पुरान छै अगर युवे के कहल जाए, लेकिन ई 66 वर्ष पहले से एगो स्थापित देश में विभिन्न समय में ज्ञान जोगैले एगो स्थापित संस्था जे किछु करले छै प्रजातंत्र लाल में विभिन्न चीज में, तै से हम सब प्रेरित छलियै। ओहि के संदर्भ में बहे तो की छै, 10 कते दीपावली के दिन स्थानीय बहुत व्यापारी और सब अपन अपन काम में निजी काम में व्यस्त रहै छै, पर्व त्यौहार में भी व्यस्त रहै छै, तो ओहि समय में एगो कार्यक्रम सामूहिक सबके बजा के करनाई कनका समय के कठिनाई भेला के कारण हम सब आइ धनतेरस भ गेलै 8 कते, तो ओहिसे पहले 7 कते हम सब स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दोसर की दिवाली के भी फोकस रखते कि कार्यक्रम हम सब स्थापना दिवस के ऊपर में और कपड़ा बैंक जोड़े के करे चाह रहा छी, तो दिवाली से 3-4 दिन पहले भ जाए तो किछ ओहि के जे उद्देश्य छै हमर से कनिको मात्रा में अगर हम परपूर्ति कऽ सकी तो शायद हमरा लेल उपलब्धि होते, तै लेल हम कनिका स्थापना दिवस 10 कते भेला के बावजूदो 3 दिन अगारिये करली। तो ई की छै, अभी तो सामाजिक संजाल के दुनिया है यूट्यूब सब पर, और एहन अहाँ के आइडिया तो और कहीं से लेल जा सके नहीं पूरा ब्रह्मांड में, तो उ हंड्रेड्स ग्रुप के होए और एहन इंडियन एक वीडियो हम सब देखले छली। दोसर ई देखला के बाद ठेके जे ट्रस्ट जोन किस्म के हम सब निर्माण कर ली से हमर सब के ऑलरेडी तरुण दल मकवानपुर के स्थापित सेम किस्म के करले छले, तो उ ट्रस्ट और दोसर चीज सोलिए स्थापना कह के आब एगो व्यापार जैका फुल टाइम हम सब तो नहीं चला सकै छी, लेकिन एगो बढ़िया चीज होय कहि के तो खुला जगह पर 100 ग्रुप जैका रखती तो पानी धूलो माटी से ओकरा बचाव नहीं कर सकै छलिए, और ओहन जगह के लागि फूल तो अभी के लेते जिम्मेवारी, तो हम सब एगो संस्था के खोजै छलिए, हम सब सहयोग करबै समन्वय करबै जे ओकर जिम्मेवारी लेबे और कनिका रेख देख करे, तो ओहि आधार में हमरा ई गिरनारी युवा सेवा समिति के अध्यक्ष और ओतय के बाबा और माहौल भी देखले सब चीज मिलल, तो हम वही जगह पर एगो कली कि ट्रस्ट, आप शटर उटर घर उर तो नहीं है वही जगह पर, तो एगो ट्रस्ट बना दी जे धूलो माटी से, और ये 365 दिन वाला आई से विगत 4-5 महीना पहले से अभी कपड़ा बैंक के बहुत चलम चलती में ही बढ़िया लगले, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव कहीं से अगर लग सकी है तो ओकरा हमरा ख्याल से अथी कार्यान्वयन करनाई उद्देश्य हम ले ली कि वैसे कनी ठीक होते, तो वो एगो ट्रस्ट निर्माण करके कल हम सब बैठा दिली, वो स्थानीय समिति के व्यवस्थापक के जिम्मा देले छी, और हम सब तो ओना हर हमेशा एक देख में रहबे करबे और जे जहाँ से होते, अन्यथा की होइ छै हम सब दिवाली के टाइम में अपनो घर झाड़ बहार करे के समय में बहुत कपड़ा की होइ जे बढ़िया बढ़िया रही लेकिन एक्स्ट्रा भ गेल तो ओकरा फेंके में भी कनका हिचकिच होइत रहै है अहाँ के, और लेकिन कोई लय वाला भी बहुत कोई रहे जरा आप दिवाली के समय होइ, छठ के समय या अन्य बहुत कोई, तो हम अहाँ बुझबे करै छी समाज में कि जरा शायद उहो आफत पे जाए। अखन जे बनायल गेल छै कटघरा जका जे छै, हालांकि कोनो भी नीक चीज के शुरुआत तो छोटे कदम से होय छै, अखन पूर्वाधार के जो यदि बात करी तऽ ई शायद हमरा बुझाय अखन के लेल तऽ ठीको हेतै, लेकिन कनिके दिन में अहाँ सबके शायद बड़का करय के आवश्यकता बुझात, ओहि में केना ककर सहयोग सके हेतै ओ चीज? नहीं नहीं, ओकरा अगर बड़का करे के बुझतै या और ओकरा विस्तार करे के बुझतै तऽ हम सब उपरस्ट बात एगो बता दी, व्यक्तिगत हम और हमर साथी भाई के अपन समूह हम सब अगर कोनो काज करै छी तो उ सीमित एक दिन के लागि नहीं करै छी, एक बेर कहीं अगर बनै छै तो ओकरा जब तक हमर सब के
जीवित छी, समय है, तब तक ओहि चीज के रेख देख हमसब अवहेलना में कऽ देली, स्थापित कऽ देली, ओकरा ऐसे ही छोड़ देबै। जब तक हम छी ओहि जगह पर, जब तक हम जीव छी, अपना नजर में ओकरा हम डमाडोल होइ तऽ नहिए हम देबै, ओकर भरपूर प्रयास करबै। और एक्स्ट्रा आइ ओ चीज स्थापित भेल यऽ ट्रस्ट निर्माण भऽ के, तऽ काल्हि भौतिक के जरूरी पड़तै या किछु पड़तै तऽ ओहि किस्म के समन्वय कऽ के कोनो बड़का बात नहि छै। आब हम सामान्य तीन चार दिन में एगो प्लान बनैली और तीन चार दिन में एक दिन में हमरा लगभग लगभग 100 आदमी और 50 आदमी से ऊपर अपना घरे से 2-4-10 कपड़ा लाके ओतऽ दऽ देलकै, जौन से हम काल तकरीबन उद्घाटन के समय में उन्हीं कार्यक्रम में भी रही, तो जत्ते कोई अल वही टाइम में हम सब 30-40 कोई के काल्हि वितरण करे में सफल छली। तो उ एक दिन के बाद से उ लेबे वाला के भी कमी नहीं छै, दै वाला के भी कमी नहीं छै, बस एगो सफिशियंट एगो भौतिक पूर्वाधार एगो आइडिया अहाँ के बस स्थापित कर देवे के आवश्यकता छै, वो ऑटोमेटिक चलत रहते, ओहिमे कोनो गेट नहीं छै। अच्छा, जेना अभी लेन आ ताहिके बाद दिन, ई दूगो जे पार्टो से अहाँके कतौ से अहाँ लेबै ताहिके बाद जे जरूरत छै ओकरा देबै, एकर की केना प्रक्रिया रखने छी? एकर फिलहाल अभी जे स्थापित एकरा और कनिका व्यवस्थित कऽ के ले जाय पड़तै, देखियौ हमसब ओना नहि कऽ सकै छियै, एकरा नियम कानून के हिसाब से दर्ता करे पड़े, एकरा अगाड़ी बढ़ाबे पड़े, जोन किस्म से हमसब समन्वय करबै, हमर CDO साहब से समन्वय करे पड़े, अपन आंतरिक पार्टी से समन्वय करे पड़े और जेकरा से भी समन्वय करे पड़े, एकरा व्यवस्थित करे लागी जे जेना करे पड़तै। ई अकस्मात कनिका एगो तीन चार दिन में और भेलैया उ अलैया, तऽ जेना विगत काठमांडू समय भी तऽ हमसब देख रहल छियै, काठमांडू पोखरा हेटौड़ा बहुत जगह पर उ एगो चौक चौराहा पर एगो सामान्य अहाँ के फ्रेम बना के धऽ देले छै, ओतऽ बहुत लोग रखै है और ले जाय वाला ले जाय है, तो वही के बहुत कोई में प्रश्न चिन्ह अहाँ के हम प्रश्न जना बुझि पा रहल छियै, ओहिमे प्रश्न चिन्ह उठतै कि केना लेन देन, ओ सारा लेन देन अगर ओहि किस्म के कोनो बात रहतै तो ओ सारा पारदर्शी रहतै। अगर ओहि ठाँव पर कपड़ा कोई सेकेंड हैंड पुरान कपड़ा ला के रखी है, वही बाहक अगर कोई नया कपड़ा और कोई अन्य वस्तु दै है, तो ओकर लेन देन A to Z हर हिसाब क्लियर रहतै और आगामी दिन में आइबे की बुझाय पड़तै, ओकर प्रक्रियागत पारदर्शी करे में भी हम की एगो रोल निभा सकै छी, सेहो आगामी दिन में हम जरूर करबै। ऐसा पहले हो एगो क्लोथ बैंक धनसा में सक्रिय रहल छै, ओ सेहो काज कर रहल छै, अहाँ सब सेहो एखन आयल छियै, दूटा में फर्क की छै? हालांकि देवा के तो एके रहते, लेकिन कार्यशैली में की फर्क छै, या दुनू सामान्य एक हिसाब से आगा बढ़बे अहाँ दुनू जना? नहीं, ठीक छै, ओ एकदम ओहो जे जनकपुर में भी स्थापना भेलै अहाँ के क्लोथ बैंक धनुषा, ओ एकदम प्रशंसनीय काज छै, एहिमे कोई दुमत के बात नहीं छै। एगो जरूरतमंद के अगर समय पर वो मिल जा रहा है, बहुत जगह पर जाके वितरण भी कर रहा है, तो उहो सब एगो चीज भेले कि समाज में अगर कोई बढ़िया काज करी तो ओकरो सबके देखला से हम सब प्रेरित भेल छी, कहीं से भी लोग ले सके, हमरा वो चीज बढ़िया लागल, बढ़िया काज कर रहा है, तो बढ़िया काज करे लागी वो एगो सिंगल स्थापित वही जगह पर एगो खुलस्त में कनिका भऽ गेलै ओपन में और सहज पहुँच हो, हालांकि अभी भी छै स्थापित छै, लेकिन वो जोन किस्म से एगो ऑफिस में वही किसी के माहौल है ना, कनिका खुला में कनिका वो अहाँ के व्यवस्थित तरह से जाए छै, वो एकदम बढ़िया बात है, लेकिन काठमांडू सब में जो रोडे पर जो रख के बोरा के बोरा लोग धा दिले है, वो तो काठमांडू सब में की भेले अहाँ के लै वाला के कमी भऽ गेलै, दै वाला के ज्यादा भऽ गेल छै, तो जेकरा घर में वो कचरा के सामान फेंक रहल है, वो कपड़ा कचरा के सामान जो फेंक रहल है, वो वातावरण प्रदूषित कर रहल है, वो अन्य चीज कर रहल है, ओकर व्यवस्थापन नहीं भऽ रहल है, अगर ओकरा कोई देख के एक जगह समेट के बढ़िया से धऽ दै है तो ओहिमे केकरो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाबक चाही। हालांकि विगत के कार्यशैली अभी लोग के विश्वास बहुत चीज में घटल छै, तो प्रश्न चिन्ह आवश्यक छै, लेकिन ओहि पर हमसब निरंतर ध्यान देले रहबै और सलाह सुझाव अबैत रहतै, प्रश्न फेर से खड़ा होबे टा करते अगर कुछ ओहन होते तो ओहिके लागि तैयार बैसल छी हमसब। अच्छा, शहरी क्षेत्र में तो मान लियो अहाँ सबके एगो ओ छै टहरा जका बना के ओत छी अहाँ सब, लेकिन जो यदि ग्रामीण भेग में सेवा प्रदान कर के जो यदि सोच हैत तो केना कका आगा बढ़बे? नहीं, एना छै, सोच तो बहुत चीज करे छै, सोच तो छै कि सारा ब्रह्मांड के सेवा करू, सारा मानवता के सेवा करू, लेकिन हम अपना इंडिविजुअली जते नजर में पड़ते जते सक्षम होबे हम अपन एगो सामान्य इकाई से अपन टोल से अपन पड़ोसी से अपन वार्ड से जहाँ तक हमर पहुँच छै हमर हैंड्स छै, सारा जिम्मेवारी तो अभी हम नहीं लेले छी, आधिकारिक हमसब तो जनप्रतिनिधि नहीं छी, बहुत दुखद बात है कि अभी जनप्रतिनिधि सब के अवस्था देख के अभी के सरकार के अवस्था देख के लोक में एते ज्यादा निराशा छै, तो ऊ जिम्मेवार लेल पर अभी आदमी प्रश्न खड़ा करे और ओकरा जीना हराम कर देवे जे जनता के एक किस्म के देख रेख नहीं कर रहल और भ्रष्टाचार में लिप्त भके इतिहास में अभी तक के सबसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि सब जे आयल छै एहन इतिहास में आज तक नहीं छलै, जे अभी के करंट सिचुएशन चल रहल है तीनों तरह के एते भ्रष्ट नेपाल के सिस्टम आज तक कहीं नहीं छलै, हम मात्र नहीं कर रहल छी, ई अन्य तथ्यांक सब भी कर रहल है, तो एगो हमर रोल क्रम अगर ओहिमे अहाँ खोजे चाहे छी तो हम एगो वार्ड टोल महल्ला जते हम सकबै ग्रामीण भेग में कहीं भी ओहिमे केकरो रोक टोक ओहिमे किंतु परंतु के आवश्यकते नहीं छै, जे चल रहल है जकरा दे देली। एहिमे
जना सहयोग एक गोटे एगो पार्ट तो भग गेले जे मान लीजिए कपड़ा अहाँ सबके दिलत ओय के बाद भी केहन सहयोग कोन कोन पक्ष से अहाँ सबके भेटल हमरा सबके एकटा ट्रस्ट निर्माण कर देले छै और बाद बाकी सारा सेकेंड हैंड कपड़ा लोग अपन अपन घर से लाके देले छै और कुछ जे हमर सबके व्यवसायी दुकान के एक दूटा चारटा मित्र छै से सब अपन अथी देलकै और काल स्थापना करली तो हमरा सबके जे हम कार्यक्रम के दौरान ही एगो स्थानीय हमर सबके दाजू छै कांग्रेस के नेता आदरणीय प्रमोद चौधरी दाजू उ ऐसी से और बहुत कोई प्रोत्साहन करलकै लेकिन उ 5,000 रुपया काल देबो टाकलकै अपने के कि आगामी दिन में हम सब ठंडा आ रहल है अगर कुछ कम्बल के व्यवस्था करके अगावे धली तो विगत में जो सुनल जाए ठंडी से ज्यादा चीजों से कठिन रिया के केकरो किछ भ जाय घटना बहुत चीज भ रहल छै हर एक क्षेत्र के लाइक काज कर रहले तो ई सब चीज के हम सब किछ प्रिवेंशन क सकी तो से कके तो बहु हम सब काज करबे टा करबे अपने के एखन अब मान लियो ई शुरुआते भेल अहाँ सबके इनिशियल फेज में छी लेकिन चुनौती के जो यदि बात करी तो की बुझाय जे कत कत अहाँ सबके चुनौती आबि सकैए अइ काज के हम सब सॉरी अइ काज के हम सब अब चुनौती तो हर एक चीज में चुनौती छै लोग के अपन जीवनचर्य में चुनौती छै तो खासे जे जेना चुनौती होते ओकरा वही किस्म के हैंडल कैल जाते जेना मान लियो अहाँ सबके डिमांड हिसाब के सामान यदि नहीं आ पेले एगो नॉर्मल सबसे शुरुआते में यह बुझी जरूरतमंद अहाँ सबके बेसी देखा पड़ गेले देबे के छै लेकिन ओतेक सामान नहीं आबि गेले आ पर्सनली ओही लेवल पर नहीं कह सकबे सेहो बात यथार्थ छै तखन केना क इमेजिन कैल जाय मान लियो ई सिचुएशन छै प्रयास करबै ज्यादा से ज्यादा के होय लेकिन जते सक्षम रहते जते कोई देते ततबे कोई दे सके ही ना कहाँ से ला सके छी कहाँ से देवा सके छी कते के पूर्ति क सके छी हमरा सब लंग से कोई खाली हाथ नहीं जाए ओकर व्यवस्थापन क सकी दोसर हम पहलियो कह दिलिये कि प्रश्न चीज हम की कह रहल छी और कतना मात्रा में कह रहल छी ऐसे ज्यादा भी जे नहीं किछ कर रहल है और जेकर जिम्मेवारी है से सब आँख में पट्टी लगा के बैठल छै तेकरा से लोग प्रश्न करे और हमरा सब पर ध्यान देले रहे नजर करले रहे बढ़िया कर रहल छी तो सहयोग करे गलत कर रहल छी तो प्रश्न उठावे विरोध करे कानून छै प्रशासन छै समाज छै मीडिया छै सब देखबे टा करते जब ओपन होत जा रहल छी हम सब चल रहल छी तऽ आब तऽ से भक्तै कत आदमी एखन जेना शुरुआतो में यहाँ कहली दिवाली के समय से लोग सब सर सफाई घर में कर रहल छै पुरान कपड़ा जा रहल छै दशैं में लोग सब नया कपड़ा किने हेतै दिवालियो में नया कपड़ा किने हेतै छठो में किने हेतै तऽ ऑब्वियस बात छै जे पुरान कपड़ा सब फिरता हेतै तऽ बहुत लोग के मान लियो जनकपुरे उप महानगर पालिका में बहुत लोग के नहीं मालूम हेतै जे ई नीक प्रयास छै अपन टेलीविजन के मार्फत से हुनका सब के की संदेश देबे चाहै छी केना अहाँ सब तक पहुँच सकै छी बिल्कुल खाली ठाउँ एकटा सामान्य समन्वय के आवश्यकता और सकदो आदमी के वैसे लाभ पिग रहा है जे दिवाली के टाइम में झाड़ बाहर कह के अपन अपन घर लोग खूब बढ़िया सफा कर कह दे छी और रोड रास्ता नाला सर सफाई के विभिन्न बात करे छी जो कचरा के रूप में परिणित हो जाए छै वैसे बढ़िया ऊ चीज ई एगो रिसाइकलिंग प्रोसेस भी भेले अपने के अभी के समय में लोकल लेवल से बात करी तो जनकपुर में और अतः के स्थानीय के एगो रिसाइकलिंग और एगो लैंडफिल साइट और जे लोग के उपभोग्य वस्तु के जे निकले छै यहाँ के कबार के रूप में उस सारा चीज के कोई एगो व्यवस्थापन करे वाला ओकरे आवश्यक छै तो एकरा बस वही किस्म से लेके जाके लेकिन ई अगर और विकसित भ के एकरा और बढ़िया रूप से करल जा सके छै यहाँ के तो अइ टोला मोहल्ला में अगर हम सब केकरो देखबै अगर अइ समाज में यहाँ जनकपुर भर में घूरै छी कोई बिन कपड़ा के जे विगत में नजर पड़ जाय छलक तो ओकरा ओहि जगह पर पठा देबै कपड़ा छै ओकरा मिल जतै तो ऊ कते काज भ गेलै हमरा ख्याल से सही काज के ओहि के ओतबा प्रोत्साहन करे के चाही और की और कैल जा सकै तै में सलाह सुझाव दे के चाही अब हर एक चीज के कॉन्फ्लिक्ट नजर से ही जब देखे के प्रयास कर देतै तो हर एक चीज में चुनौती छै और हर एक चीज में बाधा अवरोध तो छिते छै फेस कर रहल छी हम सब आगामी दिन से और आगामी भी करबै अच्छा जो यदि पार्टी के बात करी नेपाली कांग्रेस के तरफ से कतेक सहयोग प्राप्त भेलै एखन तक अइ नीक प्रयास में एकदम पर्याप्त सहयोग भेल छै सारा लोग काल एलखिन सारा कोई प्रोत्साहन कलखिन ओहिमे और की करल जा सकै छै एक कोई कम्बल कहलक गाड़ी ठंडी के लागि बाँटेला हमर सबके प्रमुख अतिथिजी कहलकै कि ऐसे बन्या काज और कुछ भइए नहीं सकी है उनकर एकटा बात हम दिन भर अहाँ अगरबत्ती देखाओ धूप देखाओ धर्म करू और शाम के जाके दिन काल के गलती के माफी मांगू वैसे अच्छा है कि कोई भी काज एगो अध्यात्म रूप से लेल जाए उनकर कहना छे कि धर्म से ज्यादा अभी लोग के अध्यात्म से जुड़े के चाहिए
तो उ सब गलत करै छी दिन भर पूजा करै छी काल बेले जाके भगवान ला माफी मांगै छी तो ओइसे ई समाज में बदलाव होतै आ ना अहाँ के कोनो अथी होतै तो ई एगो सामान्य प्रयास छै पॉजिटिव केकरो किछु भ गेलै हमरा पास जे क्षमता छै ओतबे स्रोत साधन से तो उ काफी छै तो पार्टी के मतलब सारा लोग पॉजिटिव लेल के एहनो कहबै बहुत चीज में बहुत कोई के विरोध पार्टियों में होइ छै स्वाभाविक छै अपने के हरेक चीज पर लेकिन इहे एगो एहन चीज है जोन में अभी तक ले हमरा ओहन कोनो बाधा अवरोध ना आंतरिक ना बाहर ना और कहीं कतौ से कुछ आयल का सारा लोग प्रोत्साहन करलक नेगेटिव कमेंट भी नहीं देख लिया अभी तक। अच्छा जनप्रतिनिधि सब के जो यदि बात करी जना मान लियो एहन कार्य सब में जनप्रतिनिधि के भी आगा आवे के चाही काज सब होइ छै लेकिन देखे में की होइ छै इवेंट टाइप में कनी बेसी भ रहल छै जे फोटो खिचाओ ने कनी प्रचारबाजी बेसी करू जरूरतमंद तक नहीं पहुँचू ओहो में कतेक बेर त इहो सुना में एलै जे कार्यकर्ता बेस्ट बेसी बटा रहल छै ने अपने वोटर हिसाब से तेना दिया रहल छै एहि सब चीज पर की कमेंट करय चाहबे अहाँ? एहि किस्म के गरीबे असहाय के सहयोग के निमित्त संचालित चीज छै तऽ कार्यकर्ता बेसे बेसी बटा जतै तेहन चीज बहुत चीज होते चल आयल छै लेकिन ओहि किस्म के हमर सबके ना होते और ई कार्यकर्ता के भी बाँटे वाला बात नहीं छै इवन कार्यकर्ता है से ही हम सब कलेक्शने कर ली हमर सबके जे कार्यकर्ता है साथी भाई सब छै अपना अपना घर से दूटा चारिटा ला के देवेटा कलकै अपने के तै किस्म से हम सब नहीं होइ देबै नहीं मान लियो जेना जनप्रतिनिधि सबके द्वारा होइ छै हम से बुझै चाहनौ ओहि पर अहाँ के की टिप्पणी रहते? हम जनप्रतिनिधि वाला बात करबै अहाँ के हम आगामी भी अभी कुछ देर अगाड़ी भी बादल छलिए जनप्रतिनिधि के बात अभी की कैल जाए एकेटा बात कहाँ से अहाँ के जनप्रतिनिधि होए प्रदेश सरकार होए केंद्र सरकार होए अभी के समय में नेपाल में विगत से सैमसंग जे देश के चलाते आयल छलै है और अभी तक के वर्तमान अवस्था में कहली तो इतने भ्रष्ट इतने हवादारी इतने जुमलाबाज एते उल्टा सुल्टा बाइस के जनता के मोहित करके भ्रम के राजनीति करके नफरत के राजनीति करके जात पात के राजनीति करके समुदाय के राजनीति करके जनता के मूर्ख बना के और एते ज़्यादा भयभीत अवस्था में नेपाल आई तक पुगले नहीं छलिए और एहि किस्म के छाड़ा भ्रष्टाचार भी नहीं होइ छलै जे अभी भ रहल बहुत दुखद बात छै विगत से हम सब कर ली उठल के यहाँ के जनता हमेशा भावना के साथ जाइ हम शुरू में कलिए करेंट हम सब बेसी सेंटिमेंटल लोग छी चुनाव सुनाव समय में होए अन्य समय में होए हम सब कनिका बेसी आवेश में और जे करेंट डिसीजन जे लेले छी ना ओहि समय में कि वही विगत और वर्तमान और भविष्य हम सब सोचे में कनी कमी कमजोरी कह दै छी ओहने सब बात छै और अभी तऽ एते ज्यादा छाड़ा भ गेल छै अहाँके तऽ ओहि के तऽ हम कहै छी कि एहन कोन चीज है समाज से जे नुकायल छै कि हम आई मीडिया में आके दू गो चार गो सिर्फ आरोप कैला लगा दी केकरो पर केकरा से लुकल छै कि अभी के जनप्रतिनिधि होए सरकार होए केंद्र होए कोन किसिम से काज कर रहल है इ विगत के दू साल अढ़ाई साल तीन साल के में विगत में तो अहाँ के अस्थिर छले 62 से पहले तक कुछ और 62 के बाद जब जे अहाँ के माओवादी अलै अहाँ के सरकार में ओके बाद मधेश आंदोलन के बाद जे बीच के छै 10 साल 12 साल इ तो पूरे नेपाल के वेस्टे छै एमे कोई दुमत के बात नहीं छै एगो संहिता स्थापित भेला पर वो हरबरी में शुरू बेर में फेल भेल ओहि के अलावा सारा चीज वैसे हो फेल छै एहि पर चर्चा जारी रखबे करै छी। दर्शकबिन एखन समय भेलै छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के बाद अबै छी तऽ राकेश जी संगे आब समसामयिक राजनीति के विषय पर कनी बेसी बातचीत हेतै एखन के लेल छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के बाद हाजिर होइ छी। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करै छी। आइ हमरा सबके साथ में छथि राकेश विक्रम शाह जी नेपाल तरुण दल धनुषा के उपाध्यक्ष छथि हुनका संगे बातचीत कऽ रहल छी। राकेश जी ब्रेक से पहले कनी समसामयिक विषय पर चर्चा होइ छलै एखन आब फिर से कनी आगरो चर्चा आगा बढ़बै छी। शुरुआत में तो अहाँ ओना समष्टिगत रूप में कह दिलिए एखन तक ओहि विषय पर आब नहीं आयल जा सेहो हेतै अहाँ संतुष्ट नहीं छी एखन तक के काज कार्यवाही से लेकिन तैयो स्थानीय स्तर पर से शुरू करै छी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में कह के लेल बहुत विकास भेल छै ने क्रेडिट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका लऽ रहल छै लेकिन की बुझाए आरो कतौ सुधार भ सकै छलै कतेक संतुष्टि छै कतेक स्कोप आरो छै जे ई सेक्टर में काज करहे के चाही जे कि अनदेखा भ चुकल छै जनकपुर में? जनप्रतिनिधि के काज तो काफ़ी है ओना देखियो वार्ड से लेके नगरपालिका से लेके हरेक सरकार के अपन अपन काम कर्तव्य अधिकार दायित्व है सर्वप्रथम एकरा सबके बुझे के पड़ती है कनिका पढ़े के पड़ती शिक्षा लेके पड़ती जाने के पड़ती कि काज की छै
ठीक छै भावना टाइम में आंदोलन टाइम में बहुत कोई मरले बहुत कोई आले बहुत विषय वस्तु उठल छले वही से और चुनाव में कैंडिडेट से दोनों चीज अलग अलग चीज छै लेकिन दोनों चीज जुड़ले अपने के वही से की है कि यहाँ के जेकर जे चीज के जिम्मेवारी छै अहाँ अपन काज में विज्ञ हो पड़े या करे के जाने पड़े अहाँ कोई भी क्षेत्र में छी तो ई भावना में बहि के जे कभी चीज होइ छै ने अहाँ के तो जिम्मेवार ओकरा अगर केकरो पर बेसी दया माया आवे तो ओकरा बढ़िया व्यवसाय करा दियो ओकरा निजी काज अथी करा दियो सार्वजनिक पद अगर जनता केकरो चुन के दे रहल छै तो वही टाइम में भावना आबे के ने वही टाइम में अहाँ के डिजर्विंग के छै योग्य के छै से सब बुझनाय आवश्यक छलै आब अभी जनप्रतिनिधि के बात करी तो ई सब अभी क की सकै छलै हम तो कहै छी अगर जनकपुर नगर पालिका के सही छोटे से शुरू करी तो सिर्फ जनकपुर उप महानगर पालिका जनकपुर भीतर में से सिर्फ कचरा उठा लेबे खाली एतबे काज करे टोटल मैन पावर सिर्फ कचरा उठा लेबे और नदी नाला के सुचारू कर दे सीवेज सिस्टम कनका पानी बढ़िया से निकाले के अगर ए चीज पर फोकस बढ़िया से कर दे तो बेसी कारगर रहती है लेकिन की छै नीति नियम बनाबे में कर्मचारी खटाए में कहाँ पर सही कहाँ पर गलत योजना सब जे बहुत योजना सब बनै छै अहाँ के तो योजना सब में की होइ अहाँ के योजना काज लागे से भी बेसी सिफारिश पर ओहिमे अनैतिक किस्म के चल खेल में कौन में बेसी काज भ सकी है बेसी फायदा भ सकी है तै किस्म के योजना सब लागू भेला के कारण अहाँ के ओ धुरकुटी के भी बर्बादी दिशन हिसाब से चलत रही है अपने अच्छा सर सफाई के जो यदि बात करी तो दू गो बात बड अबै छै उप महानगर पालिका के तरफ से चाहे ओ मेयर हेता या उप मेयर सार्वजनिक स्थल पर से बार बार अबै छै दू गो चीज सबसे पहले कर्मचारी अभाव है नंबर दू संघ सरकार ओते कोऑपरेट नहीं कर रहल छै चाहे नीति नियम अपन बनाबे के होय या कर्मचारी नियुक्ति करे के होय कोऑपरेशन नहीं छै तो हमर सके हाथ बन्हा ले आब ई दू गो चीज नहीं हेतै कर्मचारी नहीं हेतै आ नीति नियम नहीं बना सकबै तो काज नहीं कर सकबै ई बार बार अबै छै कमी कमजोरी हम अहाँ के हरेक चीज कह दिली कमी कमजोरी हरेक जगह पर छै केंद्र सरकार जेकरा लग पावर छै सेहो तऽ आइ पूरा देश में बढ़िया काज नहीं कर रहल है तो ओकरा कोन चीज रोकी कुछ चीज नहीं उ अपना में नियति ठीक होय पड़लै प्रदेश सरकार के कनी कम छितो है अभी अगर हम ओके कही लेकिन जे छै ओकर यूटिलाइज देखियौ ना कोन किस्म से भ रहल है ई सारा जनता की कह रहल है एडीवी के कारण रोड बनले और ओहिमे काफी मेहनत और हिम्मत देखा के जनकपुर के रोड सब क्लियर करे में मेयर उप मेयर के हम बार बार वही चीज के अहाँ के बारम्बार कहै छी सराहनीय कर रहल छै कोई दू मत बात नहीं लेकिन जत्ते कैपेसिटी छै जे स्रोत साधन छै ओकर यूटिलाइजेशन कोन किस्म से भ रहल है अगर वही चीज के अहाँ अगर बुझबै तो जे बाक मिलल छै ओकरे बढ़िया से यूटिलाइज हम सबसे कह चाह रहल छी जे कमी कमजोरी ठीक छै है लेकिन उ परिचालन जे छै अहाँ के छोट कोई भी संघ संस्था में या एहन निकाय में जे जहाँ टीम वर्क जहाँ पर होइ है तो ओहि जगह पर की है अहाँ के तल्लो लेवल के जे कर्मचारी और स्टाफ सब जे रहै है से कनी बेसी अहाँ के पेलाई में रहै है और ऊपर ऊपर के जे अधिकृत रहल शाखा अधिकृत रहल मुख्य प्रमुख रहल सचिव स्तर के जे रहल ई सब अहाँ के सारा बजट में उल्टा सुल्टा करके अहाँ के कमीशन उमीशन एता उता के चक्कर में तो सब काफ़ी वही सब में लागल रही है और नीचा के कर्मचारी के जो दैनिक ज्याला है वहू में बहुत नियम कानून बतियाई पड़ी ओकरा सबके वही किस्म से नहीं मिली तो उहे जे कर्मचारी छै जे कर्मचारी के अभाव कर रहल छी जत्ते कर्मचारी मात्रे बाकी छै अगर ओकरा बढ़िया से सिस्टमाइज अहाँ कर दियो अच्छा लैंडफिल साइट बनाबे लागी कोन नियम कानून रोक रहल छै वाने अहीं सबके पार्टी पर दोष लगे हाँ भीमलेन निरी जी पर दोष बार बार मथेर देल जाय छै नहीं नहीं भीमले हरेक चीज अतः अहाँ के उल्टा घुमाएल गेल छै हम अहाँ के पहले भी कह दै छी विमलेन निधि जी पर दोष कोन आधार से अहाँ लगबै जतबे जरूरी शिक्षा है जतबे जरूरी स्वास्थ्य है जतबे जरूरी सर सफाई जतबे जरूरी खाद्यान्न है शिक्षा भी तो ओहने चीज है ऑलरेडी अगर कोनो हम एगो योजना बना के समाज में बढ़िया काज कर लिए हम कपड़ा बैंक का स्थापना कर लेली आ वही जगह पर कभी नहीं कपड़ा बैंक से ज्यादा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है अभी के समाज में टॉयलेट चाहिए तो हम ओतबे जगह पर बनाए तो ई कोनो ई सब अहाँ के विभेद और ई सब अहाँ के दोसर पर इल्जाम लगाबे के कोनो बात नहीं हमरा पास अधिकार छै हमरा पास क्षमता है हम जनप्रतिनिधि भ के चुना के आयल छी एते चीज में कोई रोकबे नहीं कलके अदालत अहाँ के जब क्लियर निर्णय दै है कि अहाँ केकरो घर नहीं तोड़ियो ई नहीं करियो बिना क्षतिपूर्ति नहीं देलियो तो ओहिमे कानून नहीं रोकै छै अहाँ के एगो लैंडफिल साइट बनाबेला कानून रोक देलकै और दोसर पर दोष फेंक के होतै विगत में के कथी कहलकै ओके बढ़िया खराब की करले छै लेकिन
उ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जे एगो बहुते बड़का सपना देखले कोई भी जगह के विकास के लागि पहले शिक्षा होवे के चाहि ओय जगह पर स्वास्थ्य होवे के चाहि कम से कम दैनिक उपभोग्य वस्तु जे सब मुख्य बेसिक नीड्स है आम जनता के वो तो से शुरुआत होय पड़ले ने तो ऑलरेडी अगर कोनो चीज के योजना प्लान करले छै यहां वही जगह पर जाके फिर छोबबै एक एगो वही जगह पर काल हम कहबै कि नै लैंडफिल साइट नै होवे के चाहि स्टेडियम होवे के चाहि फिर हम कनी दिन बाद कहबै स्टेडियम नै होवे के चाहि या तो स्विमिंग पूल होवे के चाहि एके जगह को जगह बाकी छै ऑलरेडी 20 साल 2046 साल से जो काम अहाँ के जिला समन्वय समिति से पारित भ के ओकर काज कर रहल है ओकरा ला रहल है ओते आसान नहीं ना छै हमर सपना छै तो बढ़िया स्कूल शिक्षा खुले अच्छा मतलब ई मुद्दा के जान क एना अलझायल गेल छै एकदम एकदम अलझायल गेल छै हमरा पास ताकत छै जब के कथि करे से रोक सकी अहाँ के आइ अगर सरकार के पास ताकत है तो आइ अफताब आलम के पकड़े से के रोक लेलकै आइ महरा के फंसे से के रोक लेलकै ई हम हमेशा बात कह रहल छी कि विगत में ई एना कलकै विगत में ओ एना कलकै बहुत काफी चीज कह चुकल छै और काफी चीज करे के प्लान छलै लेकिन हम कते सक्षम छी हमरा कते सपोर्ट मिललै सेहो बुझे पड़लै अहाँ हमरे काम में अबै कि ये ता कह के तो हमेशा ई जनता के दिमाग के साथ खेल के भावना के साथ खेल के अतरंजिस बात कह के उल्टा सुल्टा बात कह के ई अइ किसिम के हम सब ओते डिप्लोमेटिक बात नै बाजे के जानै छी लेकिन ई रियलिटी छै अच्छा एगो चीज पर आबी एडीबी के काज जो यदि बात करै छी त सड़क चौड़ा के खूब प्रशंसा भेलै लेकिन ओते दोसर दिस की भ रहल छै आप जे आरो जगह पर त ठीक छै लेकिन जानकी मंदिर आसपास के क्षेत्र अस्पताल रोड व्यवस्थित एखनो नै भेलै एखनो बढ़िया जगह जाम लगै छै प्लानिंग में कमी भेलै मतलब हम फ्यूचर के हिसाब से नै सोच पेलियै तुरत्ते टूटल छै लेकिन ओकर प्रभाव अहाँके दुइयो साल नै भेलै आ जाम लागे लगलै अइ में दोष ककरा देबै मान लियौ आप जे यदि एना समस्या आबि रहल छै नै नै अहाँ हॉस्पिटल रोड के जे बात करलियै त हम अहाँके बता दी आब एगो वार्ड अध्यक्ष और वही नगरपालिका के कर्मचारी सब अख्तियारों में हाल में गेलै हॉस्पिटल रोड के बारे में जे कहबै तो वही सब जगह पर जते रोड चौड़ा करे के छलै वही रोड से चौड़ा कम भेलै अहाँके कम कऽ देल गेलै और हम अहाँके किटानी के साथ कहे चाहे छी अहाँ के मार्फत संपूर्ण जनता के जनकपुर में एगो हॉस्पिटल रोड मात्र नै एहन बहुत रोड छै जोन पर दू चार गो पाँच गो शक्तिशाली लोग भेला के कारण पैसा के चलखेल भेला के कारण जब एक दिशन चापे में असक्षम भेलै त अहाँ के रोड छोट कऽ देल गेलै एहिमे तो जनता के घाटा भेलै न जनप्रतिनिधि के तो फायदा भेलै न करोड़ों करोड़ उठैले है उठैले छै अभी पता नहीं चले आई न काल सबके बेहुरिये टा पड़ते सबके एक एक पाई के हिसाब दिए टा पड़ते आई में जनाब सड़क चौड़ा के बात अल जना अहाँ कहलिए छोट कह दल गए मान लियो चल खेल भेले एगो बात कहे छी बाहर मान लियो एना र्यूमर जका कहियो ने अफवाह जका कहियो चल रहल छै एक ठोस प्रमाण कतो होबे पड़ले ने मान लियो या जनतो के पता होबे पड़ले जे ओ जवाब मांगते या किछो तो करते जनता अपने आप से पूछो ना हम विगत में की छली अभी की है हमर जनकपुर कते विकसित भेले हम कते अथी भेले रोड तो ठीक छै नक्शा कनका चौरा भेले स्थानीय एगो खोज पत्रकारिता करे वाला अजय अनुरागी जी के छले कि 100-200 करोड़ के काम के लागी 4 साल से जनकपुर अस्त व्यस्त व्यापार चौपट रोड चौपट और 10,000 करोड़ के क्षति जनकपुर के एक पत्रकार के आर्टिकले छले अहाँ के पूरा 10,000 करोड़ के क्षति त हाथी के खाए वाला दांत कुछ और दिखावे वाला कुछ और जे रही कते बात हम सब क्लियर करिए अपने आप से पूछू ना अहाँ वास्तव में की कह चुकल छी उस सीमित जनप्रतिनिधि के दू चार गो पाँच गो दस परिवार आसे पासे उ बहुत सम्पन्न होते उहे किस्म के माहौल बनबत होते कि अहाँ भ्रष्टाचारी के विरुद्ध में बाजि नहीं सकै छी बाजे नहीं देब घेराबंदी करत होते तो आम आदमी के हिम्मत जुटाए पड़े बाजे पड़े विगत में अहाँ कांग्रेस के दोष दे के भय रास्ता पर कांग्रेस के निकलना मुश्किल कर दिले छलिए कि नहीं सैमसंग तरीका से अहाँ के विकास कह के ले जाए वाला ठीक है उहे कांग्रेस से विगत में हन बहुत आवाज आल ओकरा समेट के ले गए माओवादी के समेट के ले गए प्रजातंत्र के वो अपने समय पंचायत मधेश के लागी भी कांग्रेस छे तैयार अहाँ के तो वही टाइम में एगो सिचुएशन छे कि जनकपुर में कांग्रेस के नेता सबके घर पर ढेपाबाजी कर आगामी चुनाव में अहाँ के उम्मीद है जे उम्मीद है जे हमर बात कंप्लीट कर दिया अभी जे है आप आम आदमी के हम कहे छी अहाँ के जे जे बारी ले ले हवा तेकरा आप जीना हराम कर दियौ तेकरा से प्रश्न करियौ कि कैला नहीं हमर संविधान से सुनर भेले कैला नहीं हम विकास भ रहल है हमर ई अवस्था कैला है आप एता आबी आगामी चुनाव में अहा कतेक विश्वस्त छिए जे अहा सब जेना कहली एखन आब स्थिति खराब छै नै नीक काज भ रहल छै त नेपाली कांग्रेस कमबैक करतै कतेक विश्वस्त छिए अहा सब की करते नै करते ओकर निर्णय जनते दे सकै छै हम सब अपन मान लियौ एखने के स्थिति रहतै त मतलब संतुष्ट छै जनता हम जनचेतना मात्रे फैला सकै छियै उ फेर की होते नहीं होते हम एज अ वोटर हम अपन एक वोट के मात्र
अधिकारिक लोग छी ओइसे ज्यादा के नै छी मान लियो यदि हमर घर के लोग हमर भाई के हमर मम्मी के हमर बाबू के सब स्वतंत्रता छै हम सिर्फ एक वोट के अधिकार छी हम जनचेतना फैला सकै छी अपन बात रख सकै छी राकेश जी मान लियो जनता यदि असंतुष्ट छै त एखुनका जे पदाधिकारी सब छै जे पार्टी जीतल छै ओका त हटेतै ने आ मान लियो विकल्प में जे रहतै एखन त प्रतिपक्ष में अही सब छियै त मान लियो सत्ताधारी खराब काज केलकै चाहे ओ स्थानीय में हो प्रदेश में केन्द्र में हो ने त विपक्षी पार्टी के अन्ते त हम युवा बुझे चाहि रहल छी असंतुष्टि के कारण अहाँ सबके बाद में फायदा हेतै त ई माहौल त अहूँ सब आकलन करबै ने जे हाँ नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचन में बढ़िया प्रदर्शन करतै स्वाभाविक छै अहाँ जे काज करबै अहाँ विगत में दोसर की छै कि सब स्थापित छै अनुभव और समय जे सिखबै छै से अचानक कतौ से गॉड गिफ्टेड त नै आ सकै ना अहाँके ओ सब एगो स्थापित संस्था है विगत से हरेक किस्म के सिचुएशन देखते चलि आयल है नया पुस्ता तो मानव सभ्यता के डोर छे कि हर एक नया नया जनरेशन आबते चल जाते अहाँ की शिक्षा ग्रहण अहाँ की कह सकै छी कमी कमजोरी खराबी हर जगह रही है में कोई दुमत के बात नहीं छे एकरा सुधार करके आगामी दिन में जते हम सब ओहि किस्म के विचार हमरा सब लते हम सब सलाह देबै हम सब ओहि चीज पर बात रखबै जते हमरा पास कैपेसिटी रहते ऊपर कते तक बात जा सकी है नीचा कते तक जा सकी है तो हमरा तो मुख्य ग्राउंड में ही रह के छै बात तो भ जाओ ऊपरो तक कहाँ तक बात जा सकी हम सब अपन बात क्लियर रूप से रखै छी और उ स्वतंत्रता भी एहि में देल गेल है दोसर जगह नहीं देल गेल है जे लोकतंत्र के असली नमूना अहाँ के कांग्रेस में मिलत बोले के स्वतंत्रता बाजे के स्वतंत्रता अपन नेता के विरोध करू विरोध मतलब कथी अगर गलत अथी के विरोध करू से दोसर कोनो पार्टी और कुछ नहीं देले और सब कंपनी छै पाँच आदमी सात आदमी के पार्टनरशिप में कंपनी छै कोई भावना पर कंपनी बनैले छै अहाँ के तई किस्म के छै ओ जे पंचर बनाए वाला सब रोड पर कांटी फेंक दे ही ने अहाँ के ओ और से है कि ये अचानक आवेश में आयल करके जो कर ले है ने जे जिम्मेवारी वो विगत से निर्वाह करते आयल है ओकरा और शुद्धिकरण कर अपडेट तो हो ही पड़ी ने अच्छा पहले नोकिया छले अभी एंड्रॉइड सेट छले अपडेट तो हो ही पड़े अपडेट वो होती है आदमी जनता बुझते से बात एगो चीज आरो खूब चर्चा भ रहल छै जे अइ विगत के एक महीना के जे यदि बात करी त राजनीति में बड़का बड़का हस्ती सब खूब गिरफ्तार भ रहल छै चाहे वो नेपाली कांग्रेस से होय या नेकपा से होय या राजपा से होय त आब ई चर्चा भ रहल छै जे राजनीति में गलत तत्व बहुत घुसि गेलै मान लियो ने त ओइ सब के हटायल केना जेतै आब ओ पार्टी के मात्र बात नहीं करी समग्र राजनीति सिस्टम के बात करी एकरा हटाबे के लेल मान लियो आगामी निर्वाचन में विश्वस्त बुझाई अहाँ के जे युवा पुस्ता आब आगा एतै त ई सब चीज ई सब फैक्टर धीरे धीरे हटै जेतै देश के अगर सिस्टम काम करे लागे तो किछ नहीं करे पड़तै हम हाले में यूरोप में एगो ट्रेनिंग में गेल छली लीडरशिप ट्रेनिंग छलै ओतय के अवस्था की छै से सब देखे लेल वही जगह पर आदमी अपने आप में पंक्चुअल है कानून के प्रति नियम कानून हमारा देश में कानून जनते के ना 72 बेर तो संशोधन हुई है 72 बेर संविधाने बने छे यहाँ के ठीक छे अपडेट होना जरूरी है लेकिन विभिन्न किस्म के लोग तो इहो बिसरि गेल छे हम कौन देश के नागरिक छी हमर पहचान की हब हमर इतिहास की हब हमर सभ्यता की हब और स्थानीय तौर पर जे लोग के इतिहास झलकाए वाला पौराणिक चीज छै धार्मिक चीज छै संपदा छै सेहो सब लुप्त भ रहल है राष्ट्रीय गान लोग नहीं बुझ रहा है अपन भाषा नहीं बुझ रहा थे इतने अपवाद में छे राष्ट्रीयता नहीं खत्म होवे के चाहिए राष्ट्रीयता से ही सब कोई बलियो होती है राष्ट्रीयता खत्म होके आंतरिक द्वंद जे लड़ा दिले छे तो एक हिटलर वाला प्रवृत्ति अपने ले छे कि लोग के इतने ज़्यादा बदहाली में रख दू कि बस जिंदा रह के अपन अधिकार बुझ लेवे आगामी निर्वाचन के लिए मतलब होपफुल छी जे धीरे धीरे सिस्टम बदलते ने अभी यहाँ जे गिरफ्तार वाला बात है से पूछ रहा छी हमरा एहि चीज के हम बढ़िया माने चाहे छी प्रोत्साहन करे चाहे छी ऐसे की होते राजनीतिक संरक्षण में आगामी दिन में कोई केकरो पर अन्याय करे से पहले लेकिन लेकिन नहीं पार्टी समर्थन में अबै छै नहीं नहीं पार्टी समर्थन में आ रहल छै तेहन कोनो बात नहीं यहाँ तब आधिकारिक धारणा सब नहीं सुनले छी नहीं आब सभापति जो यदि सार्वजनिक मन सब बाइज रहल छै त अहाँ के पार्टी के त की बुझते लोग सभापति अगर रहती ओहि किस्म से बाजल अहाँ एगो संगठन के एगो दरमिया के लोग छियै तो उ न्यायिक ओकरा काम में सहयोग भइए रहल छै लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक अहाँ के अदालत से दोषी नहीं भजाई ओकरा दोषियों नहीं कहल जा सकी है लेकिन ई जे घटना है तई में सहयोग पर्याप्त रूप से भइए रहल है स्थानीय ओहि जिला के बात छै तो ओहि जिला के लोग हमरा सबसे बेसी ओतय के स्थानीय हिसाब से बुझते ने मान लियो कनिक देर के लेल कनिक देर के लेल राकेश जी एना मानल जा सकै छै ने जे मान लियो ने हम समर्थन में बजबै ने विरोध में बजबै मुद्दा यदि चल रहल छै त अदालत फैसला करतै ओहि में हम कमेंट करय वाला के छी लेकिन सभापति जी अहाँ के सपोर्ट में बाजि देलत सभापति जी वही विषय वस्तु पर बाजनाई आवश्यक है
उनकर पार्टी के सदस्य के लोग छे अहाँ ओकरा एक बेर नजरअंदाज कर विषय नहीं भेले सही हो या गलत हो बाजल जा सकी है। न्यायालय और सिस्टम शुद्धता से अगर अपन काज अगाड़ी बढ़ा लेबे तो केंद्र एकरा आंदोलन या ओई किस्म के कोनो लेटर जारी नहीं कर ले छे अहाँ से बात प्रश्न बुझलू वो स्थानीय वही जिला के लोग छे वही जिला के लोग संगठन से पहले से भी उनका साथ होते आई संगठन में साथे होते उ सब कोन धारणा से ई बात बुझ रहल छै कोन हिसाब से कह रहल छै अभी तो फिलहाल ओई के हमरा बेसी जानकारी न होब लेकिन आइए एते दिन के बाद पता चल लिया तो की होय छै अच्छा मतलब सभापति जी के धारणा आधिकारिक नहीं मानी अहाँ के हिसाब से बुझे मतलब पर्सनल कमेंट भ सके छै या जे भ सके छै पार्टी के धारणा नहीं छै से बुझल जाय सभापति जी के एहन कोनो कथी धारणा छलै अहाँ उहे धारणा कहे कहै छी 12 साल बाद बलु एहन केस के अथी करल जा सकी है और ओहिमे दोसर धारणा कोन छै उ एके बेर पूरे बेकसूर छै से कहि देले है या कसूर बारे से तऽ नै कहले छै समर्थन में एलै नै लेकिन एक हिसाब से बचाव में तऽ एलै नै कहुना क कतौ ओ तऽ उनका लेल पॉजिटिव भेलै लेकिन जे समग्र प्रक्रिया छै न्यायिक प्रक्रिया छै ओहि के लेल तऽ नेगेटिव भ जेतै तो वही में वह विचार नहीं नहीं बचाव में नहीं समन्वयता में आभिये टा पड़ी है चर्चा करिए टा पड़ी है न्यायालय अपन काम हम पहले भी कह दिली अगर देश के सिस्टम और न्यायालय अपन काम शुद्धता से करे लागे तो वही चीज के वो अपन अपन विचार भ सकते उनका अधिकारी के बात भले सभापति जी से तो उनकर बात अधिकारी के है तो वो अपन अगर केंद्र के लोग है वही विषय पर बाजल है अपन समन्वयता देखैले छै ओहिमे अच्छा अंत अंत में छी आप किछु फटाफट क्वेश्चन सब लऽ लै छी केंद्र सरकार के काज से कतेक संतुष्टि छै नंबरिंग कह दियौ 10 में कते डेढ़ 2 ओहो कैला मान लियौ ओतबे दऽ रहल छी तऽ से बुझा पड़ल अभी के सिचुएशन में अभी के सिचुएशन में एक तो सरकार के ओय के क्रेडिट मिले या नहीं मिले समय आगा बढ़ला के कारण जे जनता अपडेट भेल छै आई मीडिया के देन छै और जनते के देन है जे महरा जेल में छै एक दोसर सरकार सारा चीज के क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य दैनिक जीवनचर्य विदेश नीति आंतरिक नीति संघीयता संस्थागत हर एक चीज में देश फेलुअर है ई सरकार कुछ नहीं कर पाले एक टा चीज में मात्रे हम सब काल के दिन में पर निर्भर भ सकै छी ऊ छै एगो विद्युत में लगानी और विद्युत अहाँ के हमर देश में काफी स्टॉक भ चुकल छै लेकिन वो की है सिस्टम खराब होला से अब विद्युत काफी भगल छे लेकिन फिर भी कभी लाइन कला बेसी कटी है तो पहल का जो वायरिंग छे पोलिंग छे वो सब वहां के वो लोड नहीं ले पा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बदला कर ले हां विद्युत में कम से कम हम सब एक जो नेपाल के हमर सब के तो छीते है ना जंगल छे जड़ी बूटी छे और विद्युत छे तो विद्युत में जे कम से कम आत्मनिर्भर सरकार वही दिशा में जे काज कलकै है विद्युत आ स्टॉक कलकै है से लेकर के और एगो जे अहां के बाजे के जे एगो मीडिया के उ समय सांदर्भिक भी आयल होते लेकिन ऊ जे एकटा लिए ई दू गो चीज के लेकर के मात्र प्रदेश सरकार के कतेक नंबरिंग कह सकै छी अहाँ 10 में प्रदेश सरकार के बात करी तो 10 में से हम उनका एक करबे केंद्रो से अहाँ कम दऽ रहल छी केंद्रो सरकार से कम दऽ रहल छी हम उनका और लग से देख रहल छी कैला एना कैला उनकर बजट के कार्यान्वयन उनकर एनजीओ चलावे के कार्यान्वयन उनकर कार्यक्रम सब पार्टीगत होना है उनकर हर एक प्रदेश सरकार चलावे में भर्ती केंद्र सब पार्टी के आदमी के मात्रे भजन है एक कंपनी मात्रे भगल छे और दोसर जे बहुत चीज नहीं मिलल है केंद्र सरकार से लेकिन जते मिलल छे ओकर जे कार्यान्वयन भ रहल है ना उ बजट के उ पैसा के ओकर रेट दे के ओकर सेवा सुविधा के उ हम केंद्र से और नजीक से देखला के कारण ओकर हम एक नंबर दे रहल छी अहाँ के कि और एक नंबर उ पूछबे फिर कैला देलिए तो एक नंबर हम ऐला दै छी कि व्यक्तिगत मुख्यमंत्री कैला न कैला हमरा बढ़िया लगै छै ओ आदमी बुद्धिजीवी भी लगे है बहुत आलझेल होते बहुत किस्म के रोक टोक होते और सरकार में बहुत किस्म के दिक्कत हो और तो अन्य है शायद उ सक नहीं पा रहा है कि कला कि उनका आका ऊपरों बैसल छे निकटो बैसल बीच में बैठ गए तो हमरा एगो उ बस एगो फीलिंग्स आयल कि उ व्यक्ति कनका ठीक से बुद्धिमानी भी बुद्धिमान भी छे जनता के लागी सोचबो करे छे तेहन लगे है लेकिन क तो कुछ नहीं कह पा रहा है या तो अपन सीट रखते तो हम तो कही अगर उहो नहीं कह पाबी तो हम उनका और ज्यादा फैन भ जबे अगर नहीं कह सकै छी तो अपन सीट छोड़ दियो मतलब राजीनामा दे देतुन से कह जाय एकदम छोड़ दियो नहीं कह सकै छी तो राजीनामा दे दियो अहाँ में हम देखै छी करे के क्षमता करे के कैपेसिटी जनचेतना फैलाबे लेक जाओ ई चीज करे चाली नहीं भ रहल है एना नहीं भ रहल है पार्टी के विरोध में भ जेते ने फेरो कत जेताओ नहीं तो अपने रहू या देश के राखू समाज के राखू विकसित हो केकरो न केकरो तो बलिदानी दिए पड़ते केकरो न केकरो तो संघर्ष करिए टा पड़ते अपने आप के फुल फिल मात्रे कह लेना तो उ राजनीति छीते नहीं छे व्यापार में लागू अन्य काज में लागू पारिवारिक काज में लागू अच्छा अंत में जयनगर के अहाँ वासी छी जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के कते अहाँ नंबरिंग करबे एतुका स्थानीय सरकार के 10 में से
एको परसेंट ओकरा नहीं दै छी, जीरो दै छी, मतलब साफे संतुष्ट हानि, साफे संतुष्ट नहीं छी। एकदम संक्षिप्त में किया नहीं छी अहाँ? प्रचलित चीज विगत से स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार तो नहीं छलै ना, भौतिक संरचना ना नियम ना कानून ना कर्मचारी, स्थानीय तो छलै है और केंद्र तो छलै है। स्थानीय भेला के बाद और अभी के समय में एगो प्रदेश सरकार से बेसी शक्ति, बेसी जिम्मेवारी, बेसी अथी मिलल, अधिकार मिलल छै ओकरा सबके, अथॉरिटी, लेकिन फिर भी जे कार्यशैली छै। आब एडीबी के बात करबै तऽ एडीबी के जनकपुर के लोग शायद बिसरि जाइ छै कि बहुत जल्दी सारा बात, जनकपुर के एडीबी के लागि 3 साल 4 साल पहिलो आंदोलन होय या बंदी संधि होय, ई 199 करोड़ के लागि, तऽ हमसब अपन चीज नहि बुझि रहल छी। हमर जनकपुर मे करोड़ों अरबों के हमर जिंदगी धीरे धीरे हमर सबके अति कम भ रहल हब, विगत से भी हमसब और अति भ रहल छी। विगत में कनिका एडवांस और छलै, टेक्नोलॉजी से भरपूर और मतलब आदमी के मानसिकता कनिका और ज्यादा नैरो छलै, अभी और ज्यादा डम भ रहल है आदमी, हम से चीज देख रहल छी। और पर ई अपने आप के कनिका मेंटेन करे के अलावा जनप्रतिनिधि सब लगभग कोई कुछ नहीं कर रहल छी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी यहाँ आए के चर्चा में हमरा सबके साथ में रहने के लिए। धन्यवाद अपनों के। दर्शक बिंद आय के प्राइम टाइम में हमरा सबके साथ में राकेश विक्रम जी छला, हुनका संगे बातचीत केनो। हमरा सबके समय अवधि एतै समाप्त होइए, हम सब फेर से उपस्थित हेबे करब, ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा चाहै छी। अपन टेलीविजन देखित रही, धन्यवाद, नमस्कार।